वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्नैपशॉट का, द एड्रेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम ओवरऑल चार कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है। चार कैरेक्टर में हमारी जो ऑथर है, यानी कि जो इस जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, यानी कि नरेटर भी आप कह सकते हो, तो वो भी इस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। मार्गो मिनको, ठीक है, ये भी इस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो स्टोरी हमारी रहने वाली है, द एड्रेस, इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि पूरी स्टोरी किसके ऊपर अराउंड है और पूरी स्टोरी में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें एक डॉटर अपनी मदर के साथ रहती है, ठीक है। और वो लोग बिलोंग करते हैं एक यहूदी परिवार से, ठीक है। और वो लोग जहाँ रहते हैं वो हॉलैंड का एरिया है, जहाँ पे उस टाइम पे वॉर चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें हिटलर ये आदेश देता है कि जितने भी यहूदी परिवार है उनको मतलब मारा जाएगा, या उनके जितने भी सामान है उनको छोड़कर उस एरिया से, यानी कि हॉलैंड से, उनको कहीं और पलायन करना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सिचुएशन के दौरान जो मदर होती है, यानी कि इनकी जो मदर होती है, ये अपनी डॉटर को लेकर कहीं चली जाती है, और जितना भी सामान होता है इनका ये अपनी एक फ्रेंड को दे देती है, मिसिज डॉर्लिंग, जो कि आगे हम स्टोरी के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो ये सारा सामान अपना मिसिज डॉर्लिंग के मतलब वहां पे रख कर ये चली जाती है। और जब ऑथर की जो मदर मर जाती है उनके बाद, तो वो कहती है कि आपको इस पते पर जाकर मतलब जितना भी सामान है तुम वापस जाकर ले लेना। तो जो हमारी नरेटर होती है वो देन कुछ सालों बाद रिटर्न आती है, जब वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो सामान लेने जाती है, तो उसी जो उसका जो इमोशंस रहता है, मतलब जितनी भी पुरानी चीजें होती है उनके घर की, ठीक है, चाहे वो फर्नीचर हो, घर के बर्तन हो, या अन्य कोई भी चीजें हो, तो उसको देख के वो इमोशन हो जाती है। और मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर होता है फर्स्ट जब हमारी नरेटर उनके साथ मिलती है, तो बड़ा ही अजीब बिहेवियर होता है उनका, तो इसको देखकर वो इमोशन से भर जाती है और वो फैसला करती है कि मैं जितनी भी चीजें हैं वापस लेके नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके से जो हमारी स्टोरी होती है यहाँ पर एंड हो जाती है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब हम डिटेल में जानेंगे कुछ पॉइंट्स की हेल्प से कि पूरी स्टोरी के अंदर किस 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 तरीके से जो उनको पलायन करना पड़ता है, किस तरीके से उनको अपना सामान मिसिज डॉर्लिंग के हाथों मतलब उनको देना पड़ता है, देन कैसे वो रिटर्न आती है, और रिटर्न आने के बाद जब वो सामान लेने जाती है तो मिसिज डॉर्लिंग का क्या बिहेवियर होता है जब वो पहली बार मिलते हैं। तो पूरी स्टोरी में हमें ये सारी चीजें ही देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। और ये जो कुछ मेन पॉइंट्स है, अगर आपको स्टोरी भी समझ में, अगर आप इसके मेन पॉइंट्स को अच्छे से कर लेते हो, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, मार्गम इनको इज द ऑथर, द नरेटर, हु द नरेटर वॉज अ गर्ल ऑफ 15 और 17, ठीक है। हर फैमिली वॉज जेविश, यानी कि यहूदी थे ये लोग, ठीक है। एंड हिटलर वॉज प्लानिंग टू किल ऑल द जेविश इन जर्मनी, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। देखो ये उस टाइम की स्टोरी है जब हिटलर ने ये आदेश दिया था कि यहूदियों को जो हॉलैंड, ऑस्ट्रिया हुआ, ठीक है, या जर्मनी हुआ, यहाँ पे जितने भी यहूदी रहते हैं उनको बाहर मतलब या तो मार दो या उन लोगों को यहाँ से भगा दो, ठीक है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, तो यहूदियों के खिलाफ हिटलर का जो रवैया होता था बहुत ही यूनिक होता था, ठीक है। तो ये कहानी उस टाइम की है जब वॉर चल रहा होता है, ठीक है। द वॉर लेड टू एक्सोडियस ऑफ जेविश फैमिलीज टूवर्ड्स सेफर प्लेसेस, ठीक है। मतलब उस वॉर के दौरान जितने भी यहूदी थे उस एरिया में रहते थे उनको, यानी कि अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता था। पलायन का अर्थ होता है मतलब अपना घर, जितना जहां आप रहते हो उसको छोड़ के कहीं और चले जाना, ठीक है। दे वर फोर्स टू अबॉन्डन देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स, ठीक है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन द हॉलैंड, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें क्या, एक डॉटर क्या करती है, अपनी जो मदर की जितनी भी यादें होती है, जितने भी सामान होते हैं, उसको वापस लाने के लिए वो वापस वो कहाँ जाती है, जहां से उनको भगाया गया था उस एरिया पे वो वापस जाती है। तो ये पूरी स्टोरी वहां पे हमारा सर्वाइव करती है, यानी कि उसके सराउंडेड घूमती है, ठीक है। वेन शी देखो व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर ओल्ड लाइफ, हाउएवर शी डिसाइड इज टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिसोल्व टू मूव ऑन, ठीक है। मतलब जब वो
सारी चीजों को देखती हैं, मतलब जितना भी उनका पुराना सामान था उन सामानों को जब वो एक बार फिर से देखती है तो बड़ा इमोशनली वो हो जाती है, और वो ये फैसला लेती है कि अब उसको वापस उस सिटी में वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, और वो सारी चीजों को वैसे ही छोड़कर वहां से चली जाएगी। तो ये उसका फैसला होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमें इन सारी चीजों को अभी आगे की स्लाइड में जानेंगे कि हुआ क्या था एक्चुअली में, ठीक है। सेकेंड स्लाइड की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट में देखो, अ लेडी नेम्ड मिसिज डॉर्लिंग। देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास चार कैरेक्टर है, जिसमें से एक कैरेक्टर मिसिज डॉर्लिंग का था, ठीक है। कम्स टू मिसिज एस, यानी कि ये जो है ये हमारी जो नरेटर है उनकी मदर है, ठीक है। हाउस टू गिव प्री वॉर इंफॉर्मेशन टू मिसिज एस, ठीक है। द नरेटर हैपेंस टू मीट मिसिज डॉर्लिंग ऑन वन ऑफ हर विजिट टू हर हाउस एंड रिमेम्बर्स हर टॉकिंग अवे अ सूटकेस फुल ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, ठीक है। देखो जो उसकी फ्रेंड होती है, यानी कि जो हमारी नरेटर की मदर की जो फ्रेंड होती है मिसिज डॉर्लिंग, वो कहते हैं कि तुम अपना सारा सामान हमारे यहाँ रख के तुम चले जा सकती हो, ठीक है। तो ये जो उसका मांगने का जो वो था तरीका, वो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि उसने मतलब हेल्प करने के वे में ही मांगी थी, ठीक है। तो ऑथर को, जो हमारी नरेटर है, उसको लगता है कि ये एज अ ग्रीड के तौर पर ये सारी चीजें हमसे मांग रही है, ठीक है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं और इन्होंने ये हमारी मदद करना चाहती है, इसीलिए ये सारी चीजें हमसे मांग रही है कि हमारे पास आप सारी चीजें रख दो, हम इसे सेव करके रखेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज थोड़ा स्टोरी के अंदर बताया गया है। मिसेज एस टेल्स द हर डॉटर दैट मिसेज डॉर्लिंग हैज गुड इंटेंशंस ऑफ कीपिंग देयर बिलोंगिंग्स सेफ ड्यूरिंग देम वॉर टाइम, ठीक है। वो कहते हैं कि जो उनका इंटेंशन, मतलब बहुत अच्छा इंटेंशन है हमारे लिए, मतलब हमारे प्रति, ठीक है ना, और कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं है। शी हैज ऑफर टू हेल्प द नरेटर्स फैमिली बाय कैरिंग अवे देयर हाउस होल्ड, ठीक है, फर्नीचर्स एंड ऑल द अदर वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। मतलब वो कहती है कि जितनी भी तुम्हारी कीमती चीजें हैं, फर्नीचर हुआ या घर के बर्तन हुए, तो उन सारी चीजों को आप हमें देकर यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक गुड इंटेंशन के तौर पर उन्होंने उसको हेल्प के तौर पर कहा था कि हम इसको बिल्कुल सेव करके रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद व्हेन द वॉर वॉज, अगला पॉइंट कहता है, व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड द ज्यूज वर फीलिंग सेफ इन दीज कंट्रीज, द नरेटर रिटर्न टू हर हाउस विच वॉज नो मोर, ठीक है। जब वॉर खत्म होती है, उसके बाद जो नरेटर होती है हमारी, वो वापस उस एरिया पे आती है जहां पे उनका घर हुआ करता था। लेकिन जब वो वापस आती है तो उनको जो उनका घर होता है वो वहां पे नहीं मिलता है। एंड लिव्ड इन अ स्मॉल हट, शी हैज लॉस्ट हर मदर एंड मिस हर डियरली, ठीक है। और उसकी जो मदर होती है वो मर जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो उनको बड़ा मिस करती है। वन डे द नरेटर थिंक्स ऑफ द वुमेन मिसेस डॉर्लिंग हु हैड टेकन ऑल हर पोजेशन। शी रिकॉल हर एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। अब देखो एक दिन क्या वो उसी लेडी को रिकॉल करती है कि जिनको उन्होंने अपना सारा सामान दिया था, और वो लेडी कौन होती है, वो होती है मिसिज डॉर्लिंग, ठीक है। तो वो उसको रिकॉल करती है और उसका एड्रेस उसका याद करती है। तो एड्रेस होता है उसका 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये उनका घर का एड्रेस होता है। और जब वो लोग, जब वॉर के टाइम पे जब नरेटर और उसकी जो मदर उस एरिया को छोड़कर घर जा रहे होते हैं, मतलब बाहर कहीं जा रहे होते हैं, तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें ये एड्रेस याद रखना है और तुम्हें वापस आके ये सारा सामान इनसे लेके जाना है, ठीक है। देन एंड गोज टू द एड्रेस बाय ट्रेन, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग ओपन्स द डोर एंड इज सरप्राइज टू सी द नरेटर। अब जब नरेटर उनके घर पे जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग जो होती है वो नरेटर को देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये कौन है, और पहचानने से पहली बार मना कर देती है कि सॉरी मैं आपको नहीं जानती इस तरीके से। व्हेन द नरेटर इंट्रोड्यूस हर सेल्फ शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, ठीक है। जब नरेटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो फर्स्ट टाइम पे उसको पहचानने से मना कर देती है, ठीक है। फ्रेप्स मिसिज डॉर्लिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड एवर रिटर्न आफ्टर द वॉर। और मिसिज डॉर्लिंग जो होती है वो कभी भी नहीं, ये नहीं सोचती कि
उस युद्ध के दौरान, मतलब वॉर खत्म होने के बाद, ये दोबारा से वापस आएंगे अपना सामान वगैरह जो भी है लेने के लिए। तो वो पहचानने से पहले मना कर देती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नरेटर रिकॉग्नाइज द वुलन कार्डिगन विच मिसिज डॉर्लिंग वॉज वियरिंग एज इट बिलोंग टू हर मदर, ठीक है। अब देखो, जब वो मिलते हैं उनसे पहली पहली बार जब मिलते हैं तो मना कर देती है। देन जो नरेटर कहती है कि आपने जो स्वेटर पहना है ग्रीन कलर का, ठीक है, वो एक्चुअली मेरी मदर का था, ठीक है। तो इस तरीके से उसको पहचानती है, ठीक है। द नरेटर वॉज टेरिबली पिंच्ड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड एंड बेट्रेड बाय द बिहेवियर ऑफ मिसिज डॉर्लिंग। एनी हाउ द फर्स्ट विजिट एंडेड एज अ सैड नोट। तो जो फर्स्ट विजिट होता है उनका, वो बहुत ही एकदम दुख भरा होता है, क्योंकि वो उसको पहचानने से मना कर देती है। और इस बात को लेकर जो हमारी नरेटर होती है वो बहुत ही सैड, डिप्रेस्ड फील करती है, ठीक है, उसको बड़ा हर्ट होता है। शी ग्रू इम्पेशेंट आफ्टर अ वाइल एंड डिसाइडेड टू विजिट मिसिज डॉर्लिंग वंस अगेन, ठीक है। उसके कुछ समय बाद वो फिर से कोशिश करती है कि मैं दोबारा जाके एक बार उनसे मिलना चाहूंगी, ठीक है। बहुत कोशिश करती है दोबारा मिलने की। When she rang the bell at house number 46, Mrs. Darling's daughter meets, यानी कि यहाँ पे जो चौथा करेक्टर है हमारा वो आता है, ठीक है। अब उसकी जो मिसिज डॉर्लिंग की जो डॉटर होती है वो गेट ओपन करती है, ठीक है। द नरेटर एंड ऑफर्स हर अ कप ऑफ टी, ठीक है। मार्गो गोज इन साइड। अब जो उसकी डॉटर होती है वो उसको अंदर बुला के, मतलब चाय के लिए पूछती है, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा रिकोगनाइज तो नहीं कर पाते, लेकिन उसको चाय वगैरह के लिए पूछती है। नाउ शी रिकोगनाइज मेनी आर्टिकल्स दैट वंस बिलोंग टू हर मदर बट वर नाउ बींग यूज इन अ डिस्टेस्टफुल मैनर बाय द डॉर्लिंग फैमिली, ठीक है। अब जब वो घर के अंदर आती है तो वो जितनी भी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजों को अगर रिकोगनाइज करती है, और ये सोचती है कि उनकी इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डॉर्लिंग फैमिली किस तरीके से यूज कर रही है, ठीक है। मतलब बहुत ही जो भी सामान होता है ना, वो सारा सामान डॉर्लिंग फैमिली सत्यानाश मार देती है, ठीक है, उनके सारे सामान का। द नरेटर इज हर्ट एंड डिस्कस्टेड एट द स्वेडनेस ऑफ मिसिज डॉर्लिंग। शी लॉस्ट द डिजायर ऑफ टेकिंग बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स एज दे इवोक सैड मेमोरीज ऑफ द वॉर एंड पेनफुल लॉस ऑफ द मदर इन हर हर्ट, ठीक है। देखो, अब जितनी भी सारी, जैसे होता है कई बार कि हम किसी को दूसरी चीजें देते हैं और वो हमारी चीज का सत्यानाश कर देता है, ठीक है। हम जिस कंडीशन में देते हैं और उसका, मतलब वो यूज करके उसका जो कंडीशन होता है बिल्कुल तहस नहस करके हमें रिटर्न करता है। तो सेम चीज उसके साथ यहाँ पे हो रहा था। मतलब वो नोटिस करती है कि जितनी भी सारी चीजें उसकी मदर ने, मतलब रखने के लिए दी थी, उन सारी चीजों का यूज जो हो रहा है बिल्कुल ही डिस्कस्टेड वे में हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ही बेहुदा तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैनर भी नहीं कर रहे हैं उस सारी सामानों का। तो ये देख के उसको बड़ा ही हर्ट फील होता है, ठीक है। और वो मतलब दोबारा उसको वापस लेने की जो शक्ति होती है, वो कहते हैं कि अब मुझे वापस नहीं चाहिए सारी चीजें। और वो अपनी जो मदर की जो यादें होती है उसको संजो कर, ठीक है, वहां से निकलने का फैसला करती है। शी रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन इन हर लाइफ। और वो कहती है कि अब मुझे इस एड्रेस को भी सोचना भी नहीं है, मतलब, और ना ही वापस इस एड्रेस पे लौट कर आना है, ठीक है। तो वो वहां से फिर वहां से वो निकल जाती है। तो ओवरऑल स्टोरी में हमें यही देखने को मिला था कि किस तरीके से जो एक डॉटर होती है अपनी मदर्स की, उसके मदर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उसको वापस लाने के लिए दोबारा उस सिटी में आती है जहां से उन्होंने मूव ऑन किया था, ठीक है। तो पूरी स्टोरी इस तरीके से हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा द एड्रेस, ठीक है, मार्गा मिनको का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो स्टोरी की जो मेन पॉइंट्स है वो सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।